राजनीतिक विवाद। भारत ने फिर दिया कनाडा को एक चांस। अब क्या भारत कनाडा के बीच कम हो जाएगा तनाव? कनाडा और भारत के बीच विवाद पिछले काफी दिन से चल रहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर कनाडा ने भारत पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, कोशिश भी की कि भारत इन आरोपों को स्वीकारे भी। ये हो न सका और आखिरकार कनाडा को घुटनों पर आना पड़ा, जब भारत ने सख्ती कर उसके 41 राजनयिकों को घर वापस भेज दिया। हालांकि इस पर भी कनाडा का रुख कोई बहुत अच्छा नहीं था। कनाडा ने इसे वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन करार दिया। इसे भी स्वीकारने से भारत ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब भारत जैसे कनाडा के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पीछे जो कुछ हुआ उसे भुलाकर एक नया आगाज करना चाहता है। तभी तो भारत ने पिछले करीब एक महीने से बंद पड़ी वीजा सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। हाँ, वीजा सेवाएं पहले की तरह फुल फ्लेज्ड नहीं, बल्कि कुछ कैटेगरीज में ही इसे फिर से शुरू किया गया। लेकिन हाँ, शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल एंट्री वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा और बिजनेस वीजा कैटेगरी की ही सर्विस भारत की तरफ से कनाडा के लिए शुरू की गई है। हाँ, कोई इमरजेंसी होने पर हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल देखेंगे। इस बारे में बुधवार को एक अधिसूचना में कनाडा में भारतीय उच्चायोग की तरफ से लिखा गया कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में कुछ हालिया कनाडियाई उपायों को ध्यान में रखते हुए वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अगर भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो वो चाहेंगे कि वीजा जारी करना फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने कनाडा में वीजा जारी करना बंद कर दिया है क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना अब सुरक्षित नहीं है। हालांकि अब उच्चायोग ने वीजा सर्विस बहाली की शुरुआत कर दी है। उच्चायोग ने बुधवार को कह दिया है कि एक कदम कनाडा में एक सिख अलगावादी नेता की हत्या के कारण उत्पन्न तनाव को कम कर सकता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि भारत की इस दिलेरी का कनाडा पर क्या असर देखने को मिलता है। कनाडा सुधरता है या फिर भारत पर इल्जामों का दौर जारी रखता है। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स की संलिप्तता का आरोप लगाया था। ट्रूडो ने दावा किया था कि उनके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों का ये मानना है कि भारत सरकार के एजेंट्स ने निज्जर की हत्या को अंजाम दिया था। हालांकि भारत ने साफ तौर पर इन इल्जामों को बेतुका और प्रेरित बताया था। वैसे कनाडा के भारत पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बाद भारत ने जिस तरह से सख्ती दिखाकर कनाडा के साथ फिर एक बार नरमी से पेश आना शुरू किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।